प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कवि दिनकर को। कवि दिनकर के काव्य का अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष पर अपन विवेचन करेंगे। सबसे पहले हम कवि का परिचय पढ़ लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में सन 1908 में हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। फिर यह हाई स्कूल में प्रधानाचार्य भी बने और इस प्रकार से आगे आकर के भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी नियुक्त हुए थे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था और इनकी प्रसिद्ध जो कृति है उर्वशी, उस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और सन 1974 में हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। दिनकर को अब पढ़ते हैं। तब दिनकर प्रारंभिक जीवन से ही विद्रोही, क्रांतिदर्शी और शौर्य के प्रतीक बनकर हमारे सामने आते हैं। दिनकर की प्रमुख जो कृतियां हैं उनमें हमें एक प्रकार का भाव मिलता है और वह भाव है सामाजिक चेतना का, और इस भाव के कारण दिनकर सामाजिक चेतना के कवि कहे जाते हैं। इनकी प्रारंभिक जो रचनाएं हैं वह एक प्रकार के आत्म मंथन पर रचनाएं हैं। जैसे अपन लेते हैं पहली रचना रेणुका और हुंकार को, तो ये एक प्रकार की क्रांति गीत इसमें संकलित हैं और इनमें संवेगात्मक और संवेदात्मक तीव्रता हमें इसमें मिलती है। इसके बाद में रसवंती आती है। रसवंती सौंदर्य अन्वेषी व्रति की कृति हैं और कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र में कवि ने युद्ध और शांति जैसे विशद गंभीर विषय पर अपने विचार भीष्म और युधिष्ठर के संताप के रूप में व्यक्त किए हैं। उर्वशी विचार प्रधान कृति हैं। कामायनी के पश्चात इसे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा जा सकता है। स्वयं कवि ने इसे काम आध्यात्म की संज्ञा दी। किस कृति को? उर्वशी की कृति को। दिनकर की कविता में विचार तत्व का अभाव नहीं है। यदि अभाव है तो विचार तत्व के प्राचुर्य के अनुरूप गहराई का अभाव है। दिनकर की शैली जो है उसमें प्रसाद गुण हमें यथेष्ट मिल जाते हैं, ओज गुण भी हैं और अनुभूति की तीव्रता है और सच्ची संवेदना है। आज हम जो मुख्य बिंदु ले रहे हैं वह है दिनकर के काव्य का अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। दिनकर प्रवर्ती छायावादी कवियों में चिंतनशील प्रतिभा और जागरूक सामाजिक व्यक्तित्व के धनी कवि थे। वैयक्तिक चेतना के कवि होते हुए भी दिनकर ने राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन के प्रश्नों को बड़ी सहृदयता से, स्पष्टता से अभिव्यक्ति दी है। वास्तव में वे समय के वैतालिक थे। इनका काव्य प्रेम, सौंदर्य व नारी भावना का द्योतक और छायावादी रुचि का काव्य भी हैं। तो इनमें
रूढ़ियों का विरोध, शोषितों के प्रति सहानुभूति के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना की स्थापना का स्वर भी हमें मिल जाता है, जो हमें मानवतावाद से जोड़ता है। ऐसी कृति कवि दिनकर के काव्य के अनुभूति पक्ष में बहुत से प्रवृत्तियाँ, बहुत सी विशेषताएँ हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली विशेषता है पौरुष व ओजस्विता। पौरुष एवं ओजस्विता, इनकी राष्ट्रीयता प्रेरित भावना में उत्साह है, पौरुष और प्रतिशोध के भाव बहुत गहरे मिलते हैं हमें। जब स्वतंत्रता संकटग्रस्त होती है, जब जातीयता आहत होती है और जब स्वाभिमान वांछित होता है, तब पौरुष ही काम आता है। ऐसे ही पौरुष और ओजस्वी भावों की व्यंजना कवि ने अनल क्रिक कविता के माध्यम से की हैं। क्या कहा है कि लेना अनल क्रिट भाल पर ओ आशिक होने वाले, काल कूट पी लेना सुधा बीज बोने वाले, जिन्हें देखकर डोल गई हिम्मत दिलेर मर्दानों की, उन मोजों पर चली आ रही किश्ती कुछ दीवानों की। पौरुष और ओजस्वी भावों का धनी दिनकर तलवार की चमक में पौरुष की छाया देखते हैं और कहते हैं कि पुण्य खिलता है चंद्रहास की विभा में, तब पौरुष की जागृति कहती धर्म युद्ध है। क्या कहा है कि पुण्य खिलता है चंद्रहास की विभा से, तब पौरुष की जागृति कहती धर्म युद्ध है। वस्तुतः दिनकर का धर्म ओजस्वी कवि है। फिर दूसरी विशेषता इसकी आती है, वह है राष्ट्रीयता और क्रांति की भावना। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीयता का स्वर प्रमुखता से उभरा है। इनकी अनेक कविताएं भारतीय संस्कृति और उनके प्राचीन गौरव का ओजपूर्ण शैली में गुणगान करते हैं। ऐसी रचनाएं जिनमें भारत की वर्तमान दशा के प्रति शोभ प्रकट किया गया है तथा स्वदेश के उद्धार और उत्थान के लिए सोई हुई राष्ट्र की भावना को जागरण का संदेश भी दिया गया है। रेणुका, हुंकार और सामधेनी में कवि का स्वर क्रांतिकारी हो गया है और वे पंक्तियां इस प्रकार की हैं। क्या कहते हैं कवि, शोषण की श्रृंखला के हेतु बनती जो शांति। क्या है, शोषण की श्रृंखला के हेतु बनती जो शांति, युद्ध है यथार्थ में वह भीषण अशांति। सहना उसे ही मौन हार मनुजत्व की है, इसकी अविज्ञा घोर पौरुष की शांति है। पातक मनुष्य का है मरण मनुष्यता का, ऐसी श्रृंखला में धर्म विप्लव है क्रांति का। इनकी काव्य में जो प्रतिशोध का स्वर भी हमें दिखाई देता है और कवि दिनकर ने सूरवीर के लिए अपमान का बदला अपमान करके हिंसा का बदला हिंसा से देना ही उसका धर्म माना है। कोई हिंसा करता है तो उसका प्रतिशोध हिंसा से लिया जाएगा, कोई अपमान करता है तो उसका बदला अपमान करके लिया जाए, यही उनका धर्म माना है। वे गांधी की अहिंसा को मानते तो हैं किंतु शक्ति व पौरुष के साथ मानते हैं। ऐसा नहीं कि वह पौरुषहीन
गांधी की अहिंसा को माने। उनकी मान्यता है कि त्याग, करुणा और क्षमा की बात कोई सूरवीर ही कर सकता है। कवि ने इन पंक्तियों में क्या भाव व्यक्त किए हैं कि प्रतिशोधहीनता को महापाप मानते हुए कहते हैं, प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप हैं, छोड़ प्रीतिवर पीते मूक अपमान वे ही, जिनमें न शेष सूरता का बही ताप है। फिर आगे और प्रतिशोध की बात करते हैं। प्रतिशोध की भावना को लेकर के दिनकर ने पुरुष का गुण ही नहीं माना है, अपितु मानव का जन्मसिद्ध अधिकार माना है प्रतिशोध को। प्रतिशोध की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कवि दिनकर कहते हैं, चोट खाकर परंतु जब सिंह उठता है जाग, उठता कराल प्रतिशोध को प्रबुद्ध है, पुण्य खिलता है चंद्रहास की विवाह में, तब पौरुष की जागृति कहानी धर्म युद्ध है। फिर देखिए इनके काव्य में सौंदर्य भावना किस प्रकार की है। अगला बिंदु जो है हमारा सौंदर्य भावना की अभिव्यक्ति को लेकर के हैं, क्या कहते हैं, क्रांति का प्रचारक, पौरुष का प्रत्यक्ष प्रतीक। कवि दिनकर के काव्य का एक स्वर यह भी है, कौन सा, सौंदर्य की भावना का, जो छायावादी संस्कारों से ग्रसित व उसी प्रकार की कोमल कल्पनाओं से युक्त हैं। रसवंती और उर्वंशी का कवि प्रेमिल रोमानी और भावों का सौंदर्य अन्वेषी कवि हैं। इनकी नारी भावना में पावनता, उदात्तता और दिव्यता का स्वरूप बखूबी उपलब्ध है, जो छायावादी नारी में मिलता है। रसवंती की नारी शीर्षक कविता में कवि की कल्पनाएं छायावादी अतीन्द्रियता के निकट आ गई हैं। उसका व्यक्तित्व नैसर्गिक सौंदर्य और अलौकिक व्यक्तित्व से युक्त दिखाई देता है। वह कोमलता, क्रांति और दिव्यता की साकार प्रतिमा है। वह विधि की साकार प्रतिमा है, वह विधि की अम्लान कल्पना है और ज्योति की कली है। नारी सौंदर्य का चित्रण दिनकर ने बड़े मनोयोग के साथ किया है। वस्तुतः नारी सौंदर्य के रेखाओं में बांधने के लिए दिनकर ने बहुत बार उसे सौंदर्य के रूप में, सद्य स्नानता के रूप में देखा है। क्या कहा है, इन कपोलों की ललाई देखते हो और अधरों की हंसी, यह कुंद सी जूही कली सी, गोर चंपक यष्टि सी, यह दे श्रथ पुष्पाभरण सी, स्वर्ण की प्रतिभा कला के स्वप्न सांचे में ढली सी, यह तुम्हारी कल्पना है प्यार कर लो। क्या कहा है, इन कपोलों की ललाई देखते हो और अधरों की हंसी, यह कुंद सी जूही कली सी, गोर चंपक यष्टि सी, यह देह स्लद पुष्प आभरण सी, स्वर्ण की प्रतिभा कला के स्वप्न सांचे में ढली सी, वह तुम्हारी कल्पना है प्यार कर लो। फिर देखिए इनके काव्य में काम भावना की अभिव्यक्ति किस प्रकार से हुई है, उसका जिक्र करते हैं। दिनकर ने उर्वशी के माध्यम से अपनी काम भावना को स्पष्ट किया है। दिनकर के काव्य या दिनकर ने काम के उदात स्वस्थ स्वरूप को ही स्वीकार किया है। पुरुरवा भले ही द्वंद्वग्रस्त होकर यह सोचे कि दृष्टि का जो पय है वह रक्त का भोजन नहीं है, किंतु उर्वशी रक्त की भाषा का भी समर्थन करती हैं। मेरे लिए सत्य की वाणी वही तृप्त शोणित हैं। क्या कहती हैं उर्वशी, कि मेरे लिए सत्य की वाणी वही तप्त शोणित हैं। इस प्रकार से वह पुरुवा को रक्त की भाषा को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। विकल्प
कई प्रकार के हैं। और मानस को लेकर पुरवा रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन को मानता हुआ कवि के ये शब्द अपन देखते हैं कि कवि इस प्रकार के भाव व्यक्त करता है काम भावना को लेकर के। ओ गगनचारी यहाँ मधुमास छाया हैं, ओ गगनचारी यहाँ मधुमास छाया हैं, भूमि पर उतरो कमल कर्पूर कुसुम से कुटज से, उस अतुल सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। दिनकर की काम भावना परिष्कृत और उदात भाव भी हैं, उसमें मानव शरीर का भोग नहीं है, वह तो शरीर के भाव से अनंत आत्मा का परिष्कार भी करता है। फिर देखिए दिनकर के काव्य में कर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन हुआ है, वह कर्म पर ज़्यादा विश्वास करता है। क्या कहते हैं कि इन्होंने अपने काव्य में कर्म की श्रेष्ठता को ज़्यादा महत्व दिया है, वे भाग्यवादी नहीं हैं। यही कारण थे कि उन्होंने भाग्यवाद का खंडन भी किया है। वास्तव में वे कवि हर स्थिति में इस बात पर जोर देता है कि कर्म ही महत्वपूर्ण है, कर्म के द्वारा ही मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है। भाग्यवाद के सहारे बैठे रहने से जीवन में कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। कवि का भाव इस प्रकार से हैं, क्या कह रहा है कवि कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य से मनुष्य नहीं लाया, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया। फिर देखिए इनके काव्य में आत्म उत्सर्ग की भावना भी दिखाई देती है। किस प्रकार से दिनकर के काव्य में आत्म उत्सर्ग की भावना को भी महत्व दिया गया है। दिनकर ने बताया है कि बलिदान का महत्व सर्वोपरि है, बलिदान का महत्व सर्वोच्च है, जीवन में अधिकांश उपलब्धियां आत्म उत्सर्ग द्वारा ही प्राप्त होती हैं। संसार में हमें जो कुछ भी मिलता है वह हमारे आत्म उत्सर्ग अथवा बलिदान का ही परिणाम कहा जा सकता है। दिनकर ने अपनी कविता भाइयों और बहनों में लोगों को श्रम और बलिदान से जीवन को सुखी बनाने की प्रेरणा प्रदान की है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि श्रम का एक बिंदु बलिदान और आत्म उत्सर्ग से जुड़ता है। आत्म उत्सर्ग एक प्रकार की ऐसी भावना है जो अपने आप को दे देने से जुड़ी हुई है, और यह ठीक है कि जो व्यक्ति जितना देता है उतना ही प्राप्त करता है। फिर देखिए इनके काव्य में एक भाषा सौष्ठव और शैली सौंदर्य से संबंधित भी हमें भाव मिलते हैं। कैसी इनकी भाषा है, कैसा इनका शैली और सौष्ठव है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिनकर का अनुभूति पक्ष जितना सहज ग्राह्य हैं उतना ही सहज ग्राह्य उनका अभिव्यंजना शिल्प भी है। अभिव्यक्ति की प्राण शक्ति का नाम भाषा है। प्रतिभाशाली कवि लाक्षणिक चित्रोपमता ध्वन्यात्मकता और व्यंजनात्मकता के सहारे अपनी भाषा को सौष्ठव युक्त बनाता है। भाषा यदि प्रेक्षणीयता के गुण से भी समन्वित हो तो निश्चय ही वह कवि की प्रतिभा को प्रदीप्त कर सकती है, कविता को आकर्षण युक्त बना सकती है। इसके लिए प्राय लोकोक्तियां मुहावरों का प्रयोग करना पड़ता है। दिनकर ने अपनी काव्य भाषा को सौष्ठव युक्त बनाने के लिए इन सभी उपयुक्त गुणों से काम लिया है। इनकी भाषा प्रांजल प्रौढ़ तथा विशुद्ध साहित्यिक भाषा है। इनमें तत्सम शब्दावली की प्रधानता है तथा वह ओज और माधुर्य गुणों से युक्त हैं। तत्सम शब्दों के बीच बीच में उर्दू फारसी के शब्द भी आ गए हैं। ऐसे शब्दों में आशिक चोट हार हिम्मत दिलेर मर्दाने मौज दीवाने
बेफिक्री, क्षमा, तराना, जमाना, रूह, संवाद और जरा आदि शब्दों को भी लिया जा सकता है। हम यहाँ देखते हैं कि भाषा में प्रवाह, गति, अर्थवत्ता लाने के लिए दिनकर ने अनेक स्थानों पर कहावतों का प्रयोग किया है, मुहावरों का भी प्रयोग किया है। दिनकर की अनेक कविताओं में इस प्रकार के प्रयोग देखे जा सकते हैं, जैसे खंजर की जंग छुड़ाना, फूंक फूंक कर चलना, दांतों तले उंगली दबाना, पानी में आग लगाना, आग सुलगाना और चंद्रमा को हाथों से निचोड़ना आदि इसी प्रकार के प्रयोग हमें मिलते हैं। इस प्रकार के प्रयोगों से भाषा की अर्थवत्ता बढ़ी है और उसमें लाक्षणिक सौंदर्य भी बढ़ गया है। शैली प्रयोग की दृष्टि से विचार करें तो दिनकर के काव्य में प्रतीक शैली है, चित्रात्मक शैली है, प्रश्नोत्तर शैली है और संवाद और ओजपूर्ण शैली है। व्यंग्य शैली का भी प्रयोग स्थान स्थान पर देखने को मिल जाता है। फिर देखिए, इनकी काव्य में अलंकृति का या अलंकारों का भाव कैसा है, किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। अलंकार का प्रयोग काव्य में भाव उत्कर्ष और सौंदर्य वर्धन के लिए किया जाता है। कुशल कवि अलंकारों के बोझ से कविता कामिनी के शरीर को अनावश्यक रूप से बोझिल नहीं बनाते हैं। दिनकर ने सामान्यतः उपमा, रूपक, दृष्टांत, मानवीकरण जैसे अलंकारों का प्रयोग किया है। कुरुक्षेत्र में भी इन अलंकारों को सरलतापूर्वक देखा जा सकता है। सामान्यतः ये सभी अलंकार कुरुक्षेत्र में मिल भी जाते हैं। यहाँ कुछ हम अलंकारों की बात करेंगे तो इनका रूपक अलंकार देखिए क्या कहते हैं। रूपक में नरसंसती की रणशिन लता पर, रण नरसंसती की रणशिन छता पर शांति सुधा फल दिव्य फलेगा। नरसंसती की रणशिन लता पर शांति सुधा फल दिव्य फलेगा, यानी शांति सुधा रूपी फल की वहां फलने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, इन्होंने उल्लेख अलंकार का प्रयोग भी किया है और कहा है, यह मनुज ब्रह्मांड का सुरमय प्रकाश कुछ छिपा सकते न जिसमें भूमि या आकाश, यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रमाण, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार ज्ञान का विज्ञान का आलोक का अंगार। दृष्टांत अलंकार भी इनके काव्य में यथास्थान मिल जाएंगे। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है, क्या कहा है, हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। विरोधाभास अलंकार भी है इनमें, कहते हैं, और यह अमृत शरीर जो बचा है शेष चुपचाप मानो पूछता है मुझसे पुकार। वक्रोक्ति भी है। व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का अब विजय उपहार भोगो चैन से। तो व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का अब विजय उपहार भोगो चैन से, इस प्रकार से इनके काव्य में अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष है बड़ा सुदृढ़ है। आपको मेरा यह विवेचन कैसा लगा, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। धन्यवाद।